दो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रयोगशाला में अब कॉमन सिविल कोड का परीक्षण करने जा रही है बीजेपी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अपने अरमानों को हवा में लहराया है। बीजेपी आईटी विभाग के प्रभारी अरुण यादव ने अमित शाह के हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा कि राम मंदिर, सीएए, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 हो गया, अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे करीब 8 मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अभी अलग अलग कानून है। एक देश एक कानून की कवायद में मोदी सरकार लंबा सफर भी तय कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और 75,000 सुझावों के साथ समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट भी बनाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इस कानून पर अपने कदम बढ़ाने की बात कर रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड ने लागू करने का निर्णय किया है। हम भी इस बात को लेकर के एग्जामिन कर रहे हैं, निश्चित रूप से एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या उसमें किया जा सकता है और आने वाले समय में इस पर विचार करने के बाद निर्णय करें। कॉमन सिविल कोड ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टिकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृह मंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे हम लोग, सबके लिए एक जैसा कानून हो। 2019 के बाद बीजेपी ने ट्रिपल तलाक, राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों को तिलांजलि दे दी है। अब 2024 की तस्वीर में कॉमन सिविल कोड पर कवायद भी दिखने लगी है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने तो कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। देश के अंदर चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, लेकिन सबके लिए उत्तराखंड के अंदर एक समान कानून होगा और इसकी हमने शुरुआत कर दी है। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है कि उत्तराखंड के अंदर एक विधि विशेषज्ञों के एक विधि विशेषज्ञों की टीम बनेगी। वैसे तो दशकों पुरानी मांग है कॉमन सिविल कोड की, लेकिन मौजूदा समय में जताए गए शाह के इरादों ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। विपक्ष की माने तो बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर ध्रुवीकरण की नई धुरी को धार दे रही है बीजेपी। कॉमन सिविल कोड हो या जनसंख्या नियंत्रण बिल, ये सारे के सारे केंद्रीय सरकार के मुद्दे हैं, पूरे देश के मुद्दे हैं। राज्य सरकारों में लगातार बातें करना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विषयों से जनता का ध्यान हटाने का एक उपक्रम मात्र है। बहरहाल अब इसे एक देश एक कानून की दिशा में कदम कहें या बीजेपी के कोर मुद्दों को पूरा करने की कवायद, जो भी है, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के इरादे पर सवाल ये है कि कॉमन सिविल कोड की बारी क्या 2024 की है तैयारी। हालांकि लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक सर्वोच्चता के लिए सवाल ये भी है कि आखिर एक देश में सभी के लिए एक कानून क्यों नहीं।